प्रसिद्ध समाज सेवा जिब्रो फाउंडेशन के अध्यक्ष आशीष गडकरी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे हजारों लोग। समाज के हर वर्ग के लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले प्रसिद्ध समाज सेवा जिब्रो फाउंडेशन के अध्यक्ष आशीष गडकरी को जन्मदिन की बधाई देने वालों की भारी भीड़ नजर आई। मुंबई गोवंडी के गोल्डन बैंक्वेट हॉल में आशीष गडकरी के समर्थकों ने उनका जन्मदिन मनाने की योजना बनाई, जहां आशीष गडकरी को बधाई देने के लिए हर वह शख्स मौजूद रहा जिनकी मदद किसी न किसी तरीके से आशीष गडकरी ने की है। यहां सभी धर्मों के लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रशासन के लोग और पत्रकारों सहित हाल गोल्ड मेडल जीतने वाले जिम्नास्टिक चैंपियंस भी पहुँचे थे। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संदेश श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। सच में तो इसमें आगे था सच में जन्मदिन बनाने की, लेकिन मेरी जो टीम है सब लोग फाउंडेशन के लोग हैं, अब वो बोल रहे कि सर हम लोग को तो आपका जन्मदिन मनाना है करके। तो मैंने बोला आज योगेश पाटिल है, शैलेश पांचाल है, अशोक अम्स है, आतिश वाघमारे हैं और मेरे पूरी जितने भी लोग हैं सत्य मेरे सबका कह रहा था नहीं सर हम लोग को आज जन्मदिन मनाना है करके। तो मैं बोला था यार कुछ अच्छा काम कर लेते बाकी और बोलते ये भी हमारे लिए अच्छा काम है करके। तो मुझे इतना प्यार से वो लोग आ रहे हैं, रिक्वेस्ट किया है, ये सब अरेंजमेंट उन्होंने मेरे लिए किया है और आज इतने सब दोस्त लोग मेरे यहाँ मेरे को आज विजिट करने आए हैं, दिल भर गया। आदमी के पास से पैसा है तो वो ऐशो आराम कर ही सकता है, लेकिन शोहरत जो है वो ऐसी आती है, इसी को बोलते शोहरत। आदमी जितना ये शोहरत होती है पैसा कमाना, समाज सेवा किया उस आपसे लोग यहाँ पर आए भी दिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। सब लोग चलो ठीक है, आज लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं ये बोलूँगा कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो ऐसे सवाल है कि नागपुर में नितिन गडकरी और मुंबई में आशीष गडकरी, जिब्रो फाउंडेशन के जरिए जितना से चेंबूर में आपका काम दिख रहा है, तो क्या आगे जाकर ये राजनीतिक क्षेत्र बदल सकता है क्या? आगे जाके अभी क्या होगा पता नहीं क्या है, मुझे तो सेवा करनी लोगों की, लोग जुड़ने चाहिए, लोगों के प्रॉब्लम्स है या साथ में मिलकर क्या काम कर सकते ये देखना है। चेंबूर में जो है कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्पेस थी, जो आडवाणी का दौर था, का दौर था, कहीं ना कहीं जो चेंबूर का जो बीजेपी का जो बड़ा चेहरा, कहीं ना कहीं एक चेहरे की कमी दिखाई दे रही, क्या उसमें जो है चेंबूर की जनता आपके जो इस तरह देखा जाए तो आपकी लोकप्रियता खड़ गई, क्या हम देख सकते हैं क्या? नहीं अभी तो आप पॉलिटिकल वहाँ जा रहे हो करके, मेरे जो कुछ पार्टी से संबंध नहीं है ऐसा कुछ कि किसका चेहरा अच्छा है किसका चेहरा बुरा है करके। ये सब दोस्त लोग हैं हमारे, सब अच्छे सब पक्ष में, ऐसा नहीं है आज यहाँ पे ठाकुर जी खड़े हैं जो कांग्रेस वाले हैं तो ऐसा नहीं होता है। लोग साथ में मिलना बहुत ज़रूरी है, पार्टी तो बनती रहेगी, पार्टी बिछड़ती रहेगी, आप देख रहे हो पॉलिटिक्स क्या हो रहा है करके आज की तारीख में। नहीं अगर लोगों की इच्छा हो तो डेफिनेटली आगे सोचेंगे इसके बारे में, अभी तो फिलहाल सेवा करनी है और साथ में मिलकर कुछ अच्छा चेंबूर के लिए करना है, जो चेंबूर में बहुत सारी समस्या है जो मैं फाउंडेशन के मार्फत सॉल्व करना चाहता हूँ। नहीं मैंने बोला ना, मेरी अब जो साथ में जो मेरे जुड़े हुए हैं फाउंडेशन के जो लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, आज ये प्यार है और कुछ नहीं, ये कोई हम लोग ने पैसा देके बुलाया नहीं किसी को, आज कुछ के मर से लोग बोला कि ये बर्थडे करना है और लोग बोल रहे हैं कि बर्थडे करो करके, लोग को मिलना था सब लोगों को। और ये बच्चे जो आपने आज जो मेरे दोस्त लोग, मैंने बोला आज कि आते थे देव भव जो भगवान के रूप में सब आए, तो आज तो मेरा तो बोला शोहरत जो होती है बेसिकली जो दिख रही है क्या करके। ओके थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे? दूसरा चाहे हार्दिक शुभेच्छा, जय आशीष गडकरी साहब ना। एक्चुअली हा सरप्राइज आमचा होता, शैलेश बोला, अशोक बोला, आतिश बोला की आम्ही मिळून एक सरांच्या बर्थडे निमित्त उपक्रम करायचा ठरवला होता, सरांचा ह्या सगळ्याला पाठिंबा नव्हता, सर म्हणाले की आपण सामान्य माणूस आहे, सामाजिक कार्य करतो, आपण मोठी माणसं नाही आहे की एवढा मोठा बर्थडे सेलिब्रेट करा, पण सर समाजासाठी एवढं करतात आहे, आमच्यासाठी एवढं करतात आहे, तर आमचं पण काहीतरी देणं सरांना आहे, तर एवढं नाही पण छोटं आमच्याकडून सरांना एक सरप्राईज बर्थडेबद्दल। आणि त्यांनी आमचा मान ठेवला इथे आवर्जून, ॲक्च्युली सरांचा एक सामाजिक एक उपक्रम होता 8:30 तो जस्ट त्यांनी सेलिब्रेट केला इथे येण्यासाठी, म्हणून उशीर झाला आहे। 9 o'clock आम्ही त्या लोक केक कापला, सरांनी आमचा मान ठेवल्याबद्दल सरांचे आम्ही मनापासून आभार मानतो। आणि अशीच साथ जशी समाजाला तुम्ही देतात आहे, त्या समाजाला साथ देताना आम्हाला पण तुम्ही सोबत घेऊन चालले, त्यासुद्धा त्यासाठीसुद्धा आम्ही त्यांचे आभार मानतो। आणि सर असेच दीर्घायुष्य हो आणि समाजाची सेवा करावं आणि आम्हाला पण त्यात सामील करून घ्यावं, ही सरांकडे आमची विनंती असेल। आणि आमचा तुमचा आशीर्वाद सर सगळ्या आमच्या युवांवर असू दे, कारण की सरांचं मेन बोधवाक्य काय आहे झेब्रा फाउंडेशनचं, की पहिला स्वतः सक्षम व्हा,
आणि नंतर समाज कार्य करा, दुनियाला सक्षम करायला लागा। तर सरांनी, मी असू दे, शैलेश असू दे, अशोक असू दे, आतिश असू दे, ऑलरेडी आम्हाला सक्षम केलेलं आहे। आमच्या हातामध्ये फाउंडेशनची एक दोर दिलेली आहे आणि ती दोर आम्ही आशिष गडकरी साहेबांच्या माध्यमातून समाजापुढे नेतो आहे आणि एक चांगलं सामाजिक कार्य करतो। युवांसाठी असू दे, महिलांसाठी असू दे, आज तुम्ही बघाल तर महिला हा आपल्या फॅमिलीचा बॅकबोन असतो, त्यांचा कोणीही विचार करत नाही। पण सर्वात पहिला प्रथम विचार केला असेल तो आशिष सरांनी केलेला आहे महिलांसाठी। योगेश, आपण काय करू शकतो? तर महिलांसाठी आम्ही जस्ट एकाच महिन्यामध्ये आम्ही एक नवीन स्कीम आणतो, त्यांच्या हेल्थ रिलेटेड असू दे, मेडिक्लेमचे रिलेटेड असू दे, किंवा त्यांना लागणारा रोजगार असू दे, त्यासाठी लागणारं फंडिंग असू दे, त्यासाठी असणाऱ्या सरांचे कॉन्टॅक्ट असू दे, सर्व आम्ही पणाला लावणार आहे झेब्रो फाउंडेशनच्या माध्यमातून। आणि पुन्हा एकदा सर, तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि तुमचा आशीर्वाद असाच आमच्याकडे असू दे। आणि आम्ही अशीच जनतेसाठी तुमच्या माध्यमातून जय मल्हार सॉरी झेब्रो फाउंडेशनच्या माध्यमातून चांगलीच चांगलं काम करू समाजासाठी, हीच सरांकडून आशीर्वाद। यादव जी, जैसे आज सुबह सर को जब ग्रीट किया था तो उसमें लिखा था राजकरण करके लोगों पे दिलों पे तो राज किया जा सकता है, पर समाजकरण करके अगर किसी ने लोगों के दिलों पे राज किया है तो वो आशीष गडकरी उसके एक उत्तम उदाहरण है। सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो आए हैं, नाम इनका आशीष है और लोगों का आशीष इन पे बरस रहा है, यही भगवान की माया है। यही उम्मीद करता हूँ इसी तरह ये लोगों की सेवा करते रहें और सभी का प्यार और स्नेह इनको मिलता रहे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खरं तर आशीष या शब्दाचाच अर्थ होतो आशीर्वाद, आणि लोकांना, सर्व जनतेला नेहमी आपल्या चांगल्या कर्तृत्वाने नेहमी मार्गदर्शन करणारे आणि नेहमी सर्वांना मदत करणारे, मदतरूपी आशीर्वाद करणारे असे आशीष गडकरी साहेब यांचा आज वाढदिवस आहे। आणि त्या वाढदिवसानिमित्त मी शुभेच्छा द्यायला आलो आहे। तुळशीचं रोप दिलं याच्याकरता की तुळशीचं रोप हे भारतीय संस्कृतीमध्ये अतिशय पवित्र गणलं जातं आणि तुळशीप्रमाणे तुळस जशी ऑक्सिजन पुरवते तशी ते सर्व ज्या ज्या गरजू लोकांना त्यांचे मदतरूपी ऑक्सिजन पुरवू दे, हीच गणरायाजवळ प्रार्थना करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो, उत्तरोत्तर त्यांची प्रगती हो। धन्यवाद। झेब्रो फाउंडेशनचे अध्यक्ष आशिषजी गडकरी यांचा आज वाढदिवस आहे आणि आमच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंकडून आशिषजी यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा व असं सतयश्य व्हावं त्यांनी आणि आमच्या खेळासाठी उत्तरोत्तर त्यांनी आम्हाला मदत करावी, ह्या शुभेच्छा आम्ही त्यांना या निमित्ताने आम्ही देऊ शकतो खेळाडूंच्या वतीने। सर आशिषजींचे आम्ही त्यांना ओळखत नव्हतो आणि त्यांनी तरीसुद्धा आमची बातमी ऐकून आमच्या या सर्व खेळाडूंचा सन्मान या ठिकाणी ठेवला आणि आम्हाला आवर्जून आपल्या वाढदिवसानिमित्त सगळ्यांना निमंत्रित केलं। या वाढदिवसानिमित्त आमच्या लोकमान्य शिक्षण संस्था संचालित शरद आचार्य क्रीडा केंद्राचे आणि श्री नारायणराव आचार्य विद्यानिकेतनमधील सर्व खेळाडूंकडून सरांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि सर दीर्घायुष्य सरांना लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना।